हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोजेम पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आपने मोबाइल नंबर केवाईसी के बारे में तो सुना होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक कराना पड़ा था, और जिसने भी अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया था उनका नंबर बाद में बंद हो गया था। इसके अलावा पेमेंट एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, पेजैप और फोनपे वगैरह को भी यूज़ करने से पहले हमें अपना केवाईसी कराना पड़ता है, और उसके बाद ही हम इन सभी एप्लीकेशंस की बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। अब ऐसा ही सेम सिस्टम आपके डीटीएच कनेक्शन पर भी लागू होने जा रहा है। अब आपको अपने डीटीएच सेटअप बॉक्स को जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन डीटूएच या फिर डिश टीवी को अपने एड्रेस के साथ जहां पर भी आप रहते हो वेरीफाई कराना होगा। तो आखिरकार क्या है ये प्रोसेस और कैसे आप अपने डीटीएच सेटअप बॉक्स का केवाईसी करा सकते हो, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को जरूर दबाइए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ट्राई ने 24 अक्टूबर 2019 को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी दी कि अब सभी डीटीएच सेटअप बॉक्सेस का केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एमआईबी ने दिसंबर 2018 में ट्राई को डीटीएच सर्विसेज में केवाईसी शुरू करने की सिफारिश की थी, जिसका जवाब देते हुए ट्राई ने जुलाई 2019 में एक कंसल्टेशन पेपर जारी करते हुए सभी डीटीएच ऑपरेटर से इस विषय पर अपनी अपनी राय मांगी थी। इसके साथ साथ ट्राई ने सितंबर 2019 में एक ओपन हाउस डिस्कशन भी इस विषय पर किया था, जिसमें सभी डीटीएच ऑपरेटर्स ने अपनी अपनी राय ट्राई को सौंपी थी। इन सभी कमेंट्स और ओपन हाउस डिस्कशन के बाद ट्राई ने अब सभी डीटीएच सेटअप बॉक्सेस की केवाईसी कराने की सिफारिश की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार ये केवाईसी होगा कैसे। जब भी कोई कस्टमर नया डीटीएच कनेक्शन परचेस करेगा तो उसको केवल उसी एड्रेस पर इंस्टॉल किया जाएगा जो एड्रेस उसने अपना कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय दिया होगा। उसके बाद डीटीएच ऑपरेटर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उस एड्रेस पर विजिट करके उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिससे कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई कस्टमर मोबाइल नंबर देने में असमर्थ है तो उसको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने डीटीएच ऑपरेटर के पास जमा कराना होगा। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही उसका डीटीएच कनेक्शन शुरू हो पाएगा। पुराने कस्टमर्स की बात करें तो पुराने कस्टमर्स को भी अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। जिन कस्टमर्स ने अभी तक अपने मोबाइल नंबर को अपने डीटीएच कनेक्शन के साथ लिंक नहीं किया है, उनके लिए ट्राई ने सभी डीटीएच ऑपरेटर्स को पूरे 2 साल का समय दिया है। 2 सालों के भीतर सभी डीटीएच कनेक्शंस को मोबाइल नंबर्स के साथ लिंक और वेरीफाई कराना होगा। इसके साथ साथ ट्राई ने यहां पर एक बार फिर से कहा है कि जो भी कोई कस्टमर या फिर कंपनी अपना मोबाइल नंबर नहीं भी दे सकता है, उसको अपना एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ अपने डीटीएच ऑपरेटर के पास जमा कराना होगा। तो दोस्तों, इस तरह आपको अपने मनपसंद चैनलों को देखने के लिए अपने डीटीएच सेटअप बॉक्स का केवाईसी कराना पड़ेगा। जिन कस्टमर्स ने अपने पुराने एड्रेस के ऊपर अपना कनेक्शन ले रखा है और अब वो अपने नए एड्रेस के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, उनको भी अपने नए एड्रेस का प्रूफ अपने डीटीएच ऑपरेटर के मांगने पर जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस नए रूल के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे जैसे ही इस विषय पर कोई और जानकारी होगी, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।